आज की दुनिया के दोस्त सादा भोजन उच्च विचार स्वस्थ तन मन आधार, जो कल हुआ उसके पीछे अपना आज मत गवाओ। रमेश गोदला, सर्कल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वेरी डिफिकल्टी कॉमरेड, अपने भारतीय मजदूर संघ। सज्जनों, मानव की शारीरिक संरचना मांस भक्षण के विरुद्ध, शारीरिक संरचना को देखें तो मांस भक्षी जीवों के दांत नुकीले होते हैं, पंजे मजबूत और धारयुक्त होते हैं जो मांस को फाड़ सके। इसके विपरीत शाकाहारी के पंजे केवल शाकाहार के उपयुक्त होते हैं। मांसाहारी जीव बिना चर्बी के सेवन मांस को निगल जाते हैं, अतः उनका निचला जबड़ा सिर्फ ऊपर नीचे चलता है, जबकि शाकाहारी का जबड़ा सभी दिशाओं में गतिमान होता है। मांसाहारियों को जीभ बेहद सुंदर होती है और वे पानी पीने के लिए जीभ बाहर निकालते हैं, जबकि शाकाहारी इस काम के लिए होठों का उपयोग करते हैं। मांस खाने वाले जीवों की आंतें छोटी होती हैं क्योंकि मांस का उत्सर्जन खराब होने से पूर्व करना होती है क्योंकि मेरे उत्सर्जन खराब होने से पूर्व कार्य होता है, जबकि शाकाहारियों की और बहुत लंबी होती है जिससे शिकार के उसके में पर्याप्त समय मिल सके। सवाल पेट का, कहाँ गया है कि कलयुग के आते आते आपका पेट भरना भी एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। हम देख रहे हैं कि आज चारों ओर जो भाग दौड़ है उसके मूल में पेट का सवाल ही है। इस सवाल के साथ गरीब आपके ढंग से और अमीर अपने ढंग से जुड़ा है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, शरीर बहुत स्वस्थ ना हो तो भी गरीब को सूर्योदय से पहले घर छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा। सूर्योदय से पहले अमीर का भी घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी पेट की खातिर ज़्यादा बड़े हुए को थोड़ा छोटा करके भी के लिए सवाल दोनों के सामने पेट का ही है। खाली पेट जितना खतरनाक है, बढ़ा हुआ भी कम खतरनाक नहीं है। पेट का आकार बढ़ाने वाले कुछ चीज़ों को यदि हम गरीब की तरफ खिसका दें तो दोनों की समस्याओं का किसी भी सीमा तक निदान हो सकता है। सबसे अधिक ज्ञानी वह है जो अपनी कमियों को समझ कर उनका सुधार कर रहा है सकता है। मानव जीवन में धन की उपयोगिता, यदि बचपन के दो मित्रों में एक कुछ वर्षों के बाद अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है तो उनकी मित्रता तब ही कायम रह सकती है जब दोनों चरित्रवान हो। यदि एक गरीब व्यक्ति की मित्रता किसी अमीर से हो जाती है तो गरीब के लिए मित्रता निभा पाना आसान नहीं होता। कहावत भी है, या तो हाथी वाले से मित्रता न करो या फिर ऐसा मकान बनाओ जहाँ उसका हाथी बांध सके। तीन मित्र थे, उनके एक गरीब था और दो अमीर। एक दिन दोनों अमीर मित्र अपने गरीब मित्र के घर गए। सज्जनों, उस गरीब के पास अपने मित्रों की सेवा के लिए मात्र एक गिलास दूध था। उसने दूध गर्म किया और दो स्टील के गिलास आधे आधे भर के अपने मित्रों को पीने के लिए दिए और खुद को गिलास में पानी डालकर दूध पीने का स्वांग किया। जब दोनों अमीर मित्र वापस लौट रहे थे तो एक ने कहा कि हमारा मित्र कितना अच्छा है, उसने अपने हिस्से का दूध भी हमें पिला दिया। दूसरा मित्र नाराज़गी से बोला कि उसने तो आधा गिलास दूध देकर हमारी बेइज्जती की। यदि उसके पास दूध की कमी थी तो बस पानी ही पिला देता, उसने खुद पूरा गिलास दूध पिया होगा। तो मित्रता में धन का फर्क नहीं बल्कि दृष्टिकोण का फर्क बाधक बन सकता है। आज सुधा का करोड़ों खिले जाएंगे परंतु कृष्ण जैसा कोई नहीं मिलता। आज सुदामा करोड़ों मिल जाएंगे परंतु कृष्ण जैसा कोई नहीं मिलता। सज्जनों, सतयुग में कोई सुदामा नहीं होता और द्वापर युग का कलयुग में कोई कृष्ण नहीं होता। सुदामा एक नहीं कई हैं जिनका कृष्ण से मिलन चल रहा है, पुरुषोत्तम संग में ऊपर ही होता है। बस वेश और परिवेश का फर्क है। सुदामा चावल मुट्ठी अभी दे रहे हैं और जब लेंगे तो महल मिलेंगे। इस रहस्य को माध्यमों के निःशुल्क आध्यात्मिक कोर्स करते समय जाना जा सकता है। सज्जनों,
आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, सब्सक्राइब करते